ये है सुपर कार और मुझे लिफ्ट दिया भाई लोगों ने, ले जा रहे हैं। और एक सुपर कार की फीलिंग नहीं आना बनती है, देख सकते हो आप। यार यू लिटिल स्पीक इंग्लिश? टू स्पीक इंग्लिश नो। आर आर आर। तो भाई नई कार आ गई है, अब निकलते हैं यहाँ से कहीं और जाएं। तो गाइस फाइनली ये मॉर्निंग सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ओस और ओस किर्गिस्तान के लिए। ये मेरा हॉस्टल है पीछे, आप देख सकते हो, जिसको अलविदा कहना पड़ रहा है। तो भाई आज फाइनली वक्त हो गया अलविदा कहने का ताशकंद को, और मैं अपना हॉस्टल छोड़ के आ चुका हूँ। और आज मैं निकल रहा हूँ ओस या अंदिजान तक, जहाँ तक पहुँच सकूँगा। आज मैं हिच हाइकिंग कर रहा हूँ, तो वक्त हो गया है ताशकंद को अलविदा कहने का, और निकल रहा हूँ मैं ओस की तरफ या अंदिजान, जहाँ तक पहुँच सकूँ। हिच हाइकिंग कर रहा हूँ, सुबह के बज रहे हैं 9, देखता हूँ कब तक मैं पहुँचता हूँ। क्योंकि ओस से 10 किलोमीटर पहले और अंदिजान से 50-60 किलोमीटर दूर बॉर्डर है किर्गिस्तान का, तो फिर वहाँ निकलना है। तो देखते हैं, अभी अपने सफ़र की शुरुआत किया हूँ। और आज एक पंद्रह मिनट वेट करने के बाद ये भाई कहाँ तक छोड़ेंगे पता नहीं, लेकिन बता रहे उधर तक छोड़ देंगे। व्हाट इज़ योर गुड नेम ब्रदर? नो वीडियो। ओके ओके, तो भाई को वीडियो पसंद नहीं है, वो नहीं बताना चाह रहे। तो भाई ने यहाँ ड्रॉप कर दिया और भाई जा रहे हैं। तो उन्होंने लगभग मुझे 12 किलोमीटर का लिफ्ट दिया, और अब देखते हैं यहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई वेट करके 20 मिनट हो गया, अभी तक कोई गाड़ी मिली नहीं है, देखते हैं क्या होता है। 20 ही मिनट हुआ है, अभी सुबह का बज रहा है, लगभग 10 बज रहा है, 10 बजने को है। या वालेकुम अस्सलाम। वेयर गया? गोइंग हियर अंदिजान। या जॉब द? नो मनी, नो मनी। आंचे मेरा? यस, नो मनी। देखते हैं ये बंदा लिफ्ट दे रहा है, कहाँ तक देगा पता नहीं, देखते हैं। मैं बता दिया हूँ उसको, एक लिस्ट है जो बता दिया हूँ, पैसे तो नहीं देने वाला हूँ मैं। नो मनी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू रहमत। ओके 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 ओके। भाई ने ये बैग लेके पीछे रख दिया है, और देखते हैं। और देखते हैं। नेम नेम, माय नेम इज अहमद। अहमद, माय नेम इज आसबिक। आसबिक, एंड व्हाट इज योर नेम ब्रदर? इब्रात बेग। इब्रात, निकाह निकाह? इब्रात बेग। इब्रात इब्रात बेग, ओके। इन लोगों को भाई नहीं आती है, इन्होंने मुझे लगता है अंदिजान तक लिफ्ट दिया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मजा आएगा भाई। भाई भाई लोग रुके एक जगह, गैस लेना है इन लोग को, तो गैस लेंगे, 10 मिनट लगेगा फिर निकलेंगे। आ चुके हैं लगभग 50 किलोमीटर आ चुके हैं, सही अच्छा है, ये लग रहा पूरा अंदिजान तक लिफ्ट देने वाले हैं। तो आप यहाँ गैस स्टेशन पे आओगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वाईफाई फ्री मिल जाएगा, और टॉयलेट वगैरह रहता है वो सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको, सुपरमार्केट भी छोटी मोटी मिल जाएगी, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, यहाँ का ये चीज़ अच्छा है। शुरू हो गया, भाई लोग खिलाना स्टार्ट कर दिए हैं। यार मेरा लक अच्छा नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। फिर से कोक ये वो बोल रहे, खा लो खा लो। अरे ये कार है इनकी, सुपर कार है भाई। भाई ये है सुपर कार, और मुझे लिफ्ट दिया भाई लोगों ने, ले जा रहे हैं। और एक सुपर कार की फीलिंग ही अलग होती है, देख सकते हो आप। बाकी ये
बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत ठंड लग रही है। अगर वीडियो में बने हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। तो फिर वापस से उतरे फ्यूल लेने के लिए, क्योंकि एक फ्यूल में मुझे लगता है 200 किलोमीटर चलता है। फिर फ्यूल लेंगे और फिर निकलेंगे। गैस पे चलती है गाड़ी ज़्यादातर यहाँ, क्योंकि गैस सस्ता रहता है, इसकी वजह से लोग गैस लेते हैं। थोड़ा फिर स्टॉप किए है, कम से कम 150 किलोमीटर चल चुका है तो स्टॉप किए है। यहाँ से तो अंधी जाने ज़्यादा से ज़्यादा 170 किलोमीटर है बस। अब यहाँ उतरे, देखे कुछ खाने पीने का है, ये लोग बोल रहे हैं फिर खाओ खाओ, मैं तो मना कर रहा हूँ यार कि नहीं नहीं खाऊंगा। ये लोग बोल रहे खाओ खाओ। पहुंच गए हैं, वो बंदा एक भाई है तो अपने घर चला गया। ये भाई बोल रहा है कि मेरे घर रुक जाओ आज, तुम कल चले जाना। तो देखता हूँ यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि बॉर्डर भी 4 से 4:30-5 बजे बंद हो जाता है। तो अभी बज रहे 4:20, तो अभी जा नहीं सकता, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं सोच तो वो बुला रहे, मैं सोच रहा हूँ कि भाई आज रह जाता हूँ रुक ही जाता हूँ, क्योंकि फिर पैसे है नहीं इतने, बॉर्डर क्लोज हो जाएगा, फिर वहां से फिर वापस आना पड़ेगा तो फंस जाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं रह जाऊं। यही भाई लोग है। तो भाई ये लोग ले लिए बैग वगैरह, अब जा रहे हैं इनके घर। कजाकिस्तान कजाकिस्तान, अजरबैजान, दुबई, ओमान, जोर। ये पूछ भाई पूछ रहे कि आप कहाँ कहाँ घूमे, तो भाई बता रहा हूँ, तो बहुत खुश हुआ वो। भाई भाई रे चौन, बीस तो क्यों बोल रहा। बाकी ये है अपार्टमेंट, रुक जाते यार, रहने को फ्री मिल जाएगा और खा भी लेंगे। मैं बोला क्यों कॉला सेंड है, कॉला से म्यूचुअल है भाई, बहुत अच्छा आदमी है, इसका खुद का कार है। अफ्तजल योर अफ्तजल मनित बना बना बुक नहीं होम ने मैं भी इंग्लिश यस इंग्लिश में चल गया भाई। आ चुके हैं अपार्टमेंट, बहुत लिफ्ट ओके। थैंक यू। तो भाई आ गए। सलाम वालेकुम। तो भाई मेहमान सूरत क्या हुआ है? सोरा सुन दे ने जुरु पिला रहा हूं। भाई लोग बहुत मजा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड गुड गुड। नो तो भाई फाइनली अपने को स्टे करने को मिल गया, भाई अपने रूम पे लेके आया। What you say about? Assalamu alaikum, Uzbekistan'a hoş geldiniz. Bu bizim dostumuz. Uzbekistan'a değil mi? You little speak English? Do you speak English? No. Ar, मैं introduce कराता हूँ। भाई लोग सब मतलब medical का तैयारी कर रहे हैं। Do you medical, right? Yes, medical. Okay, name? भाई का नाम अहमदुल्ला है। एंड योर नेम ब्रदर? अली इब्राहिम। अली इब्राहिम। एंड योर नेम ब्रदर? आजम अजोन। आजम अजोन। और ये तो भाई का नाम, व्हाट इज द नेम? दानिश तुजो। दानिश तुजो। भाई का नाम भूल गया, तो बोला नाम भूल गए। थैंक यू। माय नेम इज अहमद। तो यार भाई लोग ने देखो कपड़ा पहना दिया मुझे नया, बोला ये कपड़ा पहनो ये कपड़ा पहनो, और प्लस ये लोग ले जा रहे कहीं घुमाने फिराने खिलाने, तो बोला चलो यार घूम लेते हैं। तो भाई नई कार आ गई है, अब निकलते हैं यहाँ से, कहीं और जाएंगे घूमने फिरने। तुम्हारा कार
तो ये भाई का कार है और भाई बोले वेलकम टू माय कार। तो भाई सही है, एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है। हिचहाइकिंग में भी बहुत मजा है, करो अगर किसी को करना है तो। बस थोड़ा सब्र रखना और इंतजार करना और थोड़ा अपना माइंड नरम रखना, किसी से भी प्यार से बात करना, गुस्सा मत करना, ये चीज है हिचहाइकिंग का।